पठानकोट में आतंकियों द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले के विरोध में डोगरा फ्रंट शिवसेना ने सोमवार को प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारे लगाए। वहीं पाकिस्तान का झंडा भी चलाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पाकिस्तान बिना रुके वारदातें कर रहा है, मगर केंद्र सरकार इसका मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पा रही। कार्यकर्ताओं ने मौके पर क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। इन कार्यकर्ताओं ने कहा कि सिद्धू साहब पाकिस्तान में जाकर अक्सर दोस्ती निभाते रहे हैं, लेकिन यही पाकिस्तान भारत में लगातार जहर उगल रहा है, आए दिन आतंकी हमले करवा रहा है। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि अब केंद्र सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, पाकिस्तान में घुसकर जवाबी कार्रवाई करने का समय आ गया। डोगरा फ्रंट शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली भी निकाली और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। मैं कहता हूँ इमरान और सिद्धू की यारी शहीदों पे बड़ी भारी, शहीदों को अपमान करा है इसने, 12 लोगों को उन्होंने शहीद कर दिया और हम उसको जपियां बपियां डाल रहे हैं। वो हमारा दुश्मन क्यों नहीं है? वो सिद्धू का दुश्मन क्यों नहीं है? सिद्धू अगर भारतीय है तो जपियां बपियां क्यों डाल रहा है? इसलिए वो सिक्योरिटी को लीक करने का प्रयास करना चाहता है। इसके विषय के अंदर जाँच होनी चाहिए कि क्या वो जब 2019 के अंदर गया तब पुलवामा मिला, अब गया पठानकोट मिल गया, तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारा उसके साथ संबंध नहीं है। कांग्रेस पार्टी का संबंध नहीं है, देश का संबंध तो है। शहीद जो जा रहे हैं उनका संबंध तो है। शहीद के घर वालों को जाकर के पूछो, जिनका बच्चा चला गया, जिनका बेटा चला गया, जिनकी जो धर्मपत्नी रह गई, उनसे पूछो। कांग्रेस पार्टी को उनको उत्तर देने का प्रयास करना होगा। ये सिद्धू नहीं है, सिद्धू अकेला कुछ नहीं है। अगर सिद्धू अकेला है तो फिर कांग्रेस पार्टी से उसको बाहर करो, निरस्त करो, उसको पाकिस्तान भेजो, तब जाकर के लोगों की सांसें ठंडी होंगी, राहत मिलेगी। नहीं तो जितना सैनिक जितना फौजी पंजाब का है बाहर का है जिस स्टेट के अंदर चुनाव होने वाला है वो नस्ल नबूद कर देंगे कांग्रेस को, अगर कांग्रेस ने सिद्धू के ऊपर कार्रवाई नहीं करी, सिद्धू को पाकिस्तान नहीं भेजा। Hey, hey, Pakistan! Hey, hey, Pakistan! Hey, hey, Pakistan! Hey, hey.